गूगल क्रोम के अंदर अगर आपको भी साउंड से रिलेटेड इशू आ रही है, आपका साउंड काम नहीं कर रहा, साउंड नॉट वर्किंग की इशू है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारी वेबसाइट को जैसे हम एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमें साउंड की परमिशन देनी होती है, लेकिन हमारी जो परमिशन है वो नहीं काम करती या फिर हमारा साउंड जो है काम नहीं करता है, तो कैसे आपको इसे फिक्स करना है और कैसे आपको साउंड को इनेबल करना होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर थ्री लाइन्स या फिर जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको साइट सेटिंग करके एक ऑप्शन मिल जाता है, थर्ड नंबर पर है, तो साइट सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाती है, तो साउंड के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, साउंड के ऊपर दबाइएगा। साउंड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए साउंड है और अलाउ साउंड टू प्ले साउंड, ये आपका अगर बंद है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी वेबसाइट के थ्रू आप वीडियोज़ वगैरह ऑडियो प्ले करोगे, साउंड वगैरह आएगी, तो वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साउंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ऑन रखना है। और बाकी यहाँ पे ऐड साइट एक्सपेक्टेशंस, मतलब यहाँ पे आपको कुछ साइट बंद कर देनी है, उनका वॉइस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप उन साइट्स को ऐड करोगे। अब इससे क्या होगा कि वो साइट जो आप मतलब वेबसाइट होगी उसका साउंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसकी वीडियो की वॉइस आपको यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी आप इसे ऑन रखिए अगर आपको साउंड चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसे बंद कीजिए। बाकी अगर ये ऑप्शन काम ना करे तो उस केस में अपने फ़ोन की वैल्यूम को भी चेक कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए जिससे कि आपको सही तरीके से साउंड मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।